Hello ji, namaskar, salam, sasriyakal. Wish you all a very warm welcome to this wonderful session of Unacademy NEET LIVE DAILY. Unacademy, aapka apna channel, Bharat ka apna educational channel. Unacademy, jo karyarat hai aapke sapne saakar karne mein. Jo vishwas, jo pyar aapne diya hai hume, usi ki badolat, aaj lakhon bachche humare saath jud chuke hain. And हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश है कि आपको आपके मुकाम तक पहुंचाने में कोई भी कमी ना रह जाए. Unacademy का ये नारा है कि घर घर में डॉक्टर हमारा है. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आज फिर हूं आपके सामने एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ. दैट इज टाइप्स ऑफ RNAs, राइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए का चर्चा काफी दिनों से चल रहा था. भाई डीएनए एक बहुत ही विशेष मॉलिक्यूल है जिसके बारे में बहुत सारी कहानी हमने जानी. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स यूनिट का सेकेंड चैप्टर चल रहा है जी, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरएनए के अलग अलग प्रकार. ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हम पढ़ चुके हैं. ट्रांसलेशन जो है हमने पढ़ना है. उससे पहले जो है हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जेनेटिक कोड के बारे में भी चीजें हम जानेंगे. थोड़ा सा मेरा गला खराब है आज और अगर आपको थोड़ी सी परेशानी मेरे साथ हो, लिटिल बिट ऑफ कोल्ड ऑल्सो, बट प्लीज डरने की बात नहीं है, ऐसा कोई कोरोना वाला केस नहीं है. जनरली नॉर्मल इशू होते रहते हैं. सो थोड़ा सा आज एनर्जी लेवल में अगर कमी नजर आए तो आपके प्यारे प्यारे लाइक्स जो हैं वो अच्छी सी दवाई का काम करेंगे, तो वो आप जरूर भेजते रहिएगा. स्क्रीन पे एक बार नजर डालना चाहूंगा. ऑल माई राजा बेटा, वी हैव संदीप, वी हैव देवद्रता, रियासुद्दीन, सरिता, शियान, उमर फारूक, सचिन, नैन्सी, सुमन, कृष्णा, राजेश, अनुराग, सदफ, दीपक जायसवाल, साधिका, जयंत, संकेत, नैन्सी, प्रभात. ग्रेट जी, वंडरफुल. विशाल, आपके प्यारे प्यारे गुलाब जो है फूल वो मुझ तक पहुंच पा रहे हैं. एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं सभी दर्शकों का, श्रोताओं का. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. किस तरह से ये दो दशक बीत गए आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को गाइड करते हुए पता ही नहीं चला. कहते हैं ना, समय पंख लगा करके उड़ जाता है. शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है. 3 मई की वो तारीख नीट 2020 जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, राइट जी. सो हमारा साथ आपके साथ है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद, आपके चाहने वालों की दुआएं कि इंशाल्लाह आप भी इस तरह के बेहतरीन रैंक ला पाए. एम्स रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 ए, पीएमटी, डीपीएमटी. अब एक ही एग्जाम है नीट, तो आपके लिए सुनहरा मौका है जी कि इसी में भरसक अच्छा प्रयत्न करके आप एक बेहतरीन रैंक इस एग्जाम में ला पाएं. आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू पीपल. ओके जी, रियासुद्दीन, सरिता, रेखा, शियान, गुलनाज, आशीष, प्रभात, दुर्गेश, वाहिद, स्वाति, आशीष, सुनील, युक्ता, दीपक, अमरदीप, देवेंद्र, निशांत. वंडरफुल जी, आपके प्यारे प्यारे नमस्कार. सब जो है वो ना कहते हैं कि दिल पसीज लेते हैं. एक कनेक्शन सा बन चुका है आप लोगों से. आप मुझे देख पा रहे हैं, मैंने आप सबको नहीं देखा है, लेकिन फिर भी दिल कहीं ना कहीं ये कहता है कि हम बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं Unacademy के इस बेहतरीन माध्यम से. टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप अपने सेलफोन में डाउनलोड कर लीजिए और उसके साथ ही आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं. नीट मोबाइल का ये बेहतरीन फीचर मेरे राजा बेटा आपके सेलफोन में होना चाहिए. नीट मोबाइल के जरिए आप हम लोगों से क्या विशेष चीज प्राप्त करते हैं वो ये है कि एक कंप्लीट इंडेक्स आपके सेलफोन पे बन जाता है, जहां पे आपको अलग अलग लेक्चर्स को अलग अलग जगह पे ढूंढने की जरूरत नहीं है. मेरे जितने भी कंप्लीट लेक्चर्स हैं बायोलॉजी के या फिर बाकी सब्जेक्ट्स के जो हैं महेंद्र सर के हैं फिजिक्स में, वो सब आपको यहां पर दिख जाएंगे. सिंपली आपको प्ले का बटन दबाना है, यूट्यूब के लिंक पे अपने आप आपको ले जाएगा और साथ में पीडीएफ नोट्स भी, राइट जी. चलिए 180 के करीब लोग जुड़ चुके हैं और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा को लोगों को जोड़िए. हेलो कुलसुम, हाउ आर यू, ऋषिकेश, मेघा, युक्ता, देवेंद्र, गायत्री, गुनगुन, अंकित, तौसीफ, सिमरन, अमरदीप, निशांत. प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप जरूर एक्सप्लोर कीजिए, जहां पे लाइव प्लस क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, क्विजेज हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं. इंडिया की बेहतरीन टीम आपको मिलती है आपके सपनों को साकार करने के लिए. अलग अलग कोर्सेज हैं और मैं आपको बता दूं नीट 2021 के लिए भी
कोर्स जल्द से जल्द शुरू होने जा रहा है। सो बच्चे जो नीट 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो एक साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ऑल माई डॉक्टर्स राजा बेटा एंड राजा बेटियां नीट 2020 देने जा रहे हैं वो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपके सेलफोन में होना चाहिए, उसके बाद आपको प्लस सेक्शन में जाना है, नीट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है एंड गेट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको सचिन लाइव कोड यूज करना है और सपने साकार करने हैं। ये कोड यूज करते ही आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, 10% डिस्काउंट आपको फीस में मिलता है, इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। चलो जी, वार्म अप सेशन हो चुका है। आयुष, फिजा, निशा, तौसीफ, कुलसूम, आजिम, निशांत, युक्ता, सूर्य, शाहजहां, परवेज, स्नेहा, ग्रेट जी, वंडरफुल, सचिन शर्मा, सचिन यू एंड मी शेयर द सेम नेम, आपके मैसेजेस आते भी रहते हैं मुझे टेलीग्राम पे, बड़ी खुशी होती है आप लोगों के मैसेजेस देख करके। मेघा, अभिनय, चलो जी राजा बेटा, अनुराग, नीता, बड़े आगे, ग्रेट, 200 से ज्यादा लोग जुड़ गए। चलिए जी शुरू करते हैं कहानी। टाइप्स ऑफ आरएनए हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्यारे से कोटेशन के साथ। एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट अगेन। हर सुबह, हर रोज, हर सूरज की नई किरण आपके लिए एक नया पैगाम लेकर के आती है, एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। सुबह जब आप नींद से उठें तो उस परमात्मा का, उस वाहेगुरु का, उस अल्लाह का शुक्रगुजार होइएगा, ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, विनम्रता रखिएगा कि परमात्मा आपने हमें एक और खूबसूरत दिन दिया है, इस दुनिया को देखने के लिए आज फिर से हमारी आंखें खुली हैं, सो हमें कुछ विशेष करना है। और यह जानना कि आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं, एक सिंपल तरीका है। क्या आप कल के मुकाबले अब ज्यादा खुश हैं? इफ यू कंपेयर योर सेल्फ विद यस्टरडे, योर हैप्पीनेस लेवल, यदि आप आज ज्यादा खुश हैं तो इसका मतलब है आप जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं और प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। सिंपली सबसे जरूरी यही बात है। इस समय हो सकता है आप स्ट्रेस में होंगे, आप टेंशन में होंगे, बिकॉज बहुत सारा सिलेबस है और नीट का एग्जाम पास आता जा रहा है। नहीं, अपनी शक्ति को, अपनी पॉजिटिविटी को संभाल करके रखिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। आपकी तैयारी करने के तरीके में ईमानदारी होनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। चलिए, 250 के करीब लोग जुड़ने वाले हैं, दैट्स रियली वंडरफुल, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मोटिवेशन की बातें भी करके, बिकॉज टीचर्स जो हैं वो बच्चों के लिए रोल मॉडल की तरह होते हैं। आप स्कूल में ज्यादा समय बिताते हैं, इनफैक्ट अपने माता पिता के कंपैरिजन में, आप अपनी कोचिंग में या फिर हम लोगों से आप पढ़ रहे हैं, कितना समय आप लोगों का हमारे साथ बीतता है, सो नेचुरली आप उन बातों से प्रभावित होते हैं जो हम आपको कहते हैं। चलिए जी आगे शुरू करते हैं। खुशबू, अनुराग, शिवानी, गायत्री, अनुरेश, दीपक, कौस्तव, तौसीफ, शियान, वंडरफुल जी, ऑल माय राजा बेटा एंड राजा बेटियां, शुरू करते हैं जी कहानी। आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए हम डिस्कस कर चुके हैं, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, अब हम जिक्र करने जा रहे हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड का, या सिंपली राइबो न्यूक्लिक एसिड कह दीजिए, राइबोज शुगर है जिसमें। हमने जिक्र किया था कि भाई जब धरती पे लाइफ का ओरिजिन हुआ है तो क्या डीएनए पहले आया था या आरएनए पहले आया था। मैंने आपको बताया था आरएनए सिंपल है स्ट्रक्चर में कंपेयर टू डीएनए, पहले राइबोज शुगर आई होगी फिर उसकी डीऑक्सीराइबोज फॉर्म आई होगी। कई आरएनएज ऐसे भी ढूंढे गए हैं जो एंजाइम्स का काम करते हैं, आप जानते हैं एंजाइम्स जो हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, लेकिन कुछ आरएनएज जिन्हें राइबोजाइम कहते हैं, राइबोन्यूक्लियस पी हो गया जैसे, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी शो करते हैं, तो जिससे ये वाकई साबित हो गया था कि हां भाई पहले आरएनए आया होगा। हमने पिछले लेक्चर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जिक्र किया था, आरएनए टू डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए जो है बनता है, और ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स देखे गए हैं जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम होता है, राइट जी। चलिए अनुरेश राजा बेटा बने आगे। व्हाट इज आरएनए एक्चुअली? सिंगल चेन पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड, सिंगल चेन, कई केसेस में आप देखेंगे डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, वो भी जिक्र करेंगे, सिंगल चेन पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पॉली मींस मेनी, विच फंक्शन एज कैरियर ऑफ कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कैरियर ऑफ द कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब डीएनए से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे ले जाना है उसके लिए कैरियर है, कैरियर ऑफ कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म, डीएनए से साइटोप्लाज्म में। हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते समय डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, और उसके बाद आगे ट्रांसलेशन वो भी हमने पढ़ना है। फॉर टेकिंग पार्ट इन, किन चीजों में टेक पार्ट करता है? प्रोटीन सिंथेसिस
एंजाइम सिंथेसिस, हम जानते हैं राजा बेटा दैट मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. एंजाइम है क्या? बायो कैटालिस्ट्स विच स्पीड अप द रेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन. एट प्लेसेस आरएनए मे अपीयर पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड. कई आपको उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि आरएनए पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड है ड्यू टू फोल्डिंग और क्वाइलिंग ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड. जो एक सिंगल स्ट्रैंड है उसके फोल्डिंग या क्वाइलिंग के कारण कई जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड भी होता है. यहां पे आपके सामने डीएनए आरएनए कंपैरिजन की फॉर्म में दिखाए गए हैं. क्लियर है जी? बेसिक सी बात समझ आई मेरे राजा बेटा? राइट. अरित्रा अल्फाज, हेलो जी अल्फाज, कैसे हैं आप? राइबोसाइम आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. नैन्सी, तौसीफ, अदीना, वैभवी, अंकुश. इट कंटेन्स 72-12,000 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स विच आर ज्वाइंड एंड टू एंड. द एक्सिस और द बैकबोन इज फॉर्म्ड ऑफ ऑल्टरनेट रेजिड्यूज ऑफ फॉस्फेट एंड राइबोज शुगर. राइट जी? जो मेन एक्सिस है या बैकबोन है वो बना हुआ है ऑल्टरनेट रेजिड्यूज ऑफ फॉस्फेट एंड राइबोज शुगर. फॉस्फेट कंबाइन्स विद कार्बन 5 प्राइम ऑफ इट्स शुगर एंड कार्बन 3 प्राइम ऑफ द नेक्स्ट शुगर, सिमिलर टू द अरेंजमेंट विच इज फाउंड इन डीएनए स्ट्रैंड. नाइट्रोजनस बेसिस आर अटैच टू शुगर एट कार्बन 1 प्राइम. राइट जी? चलिए आगे देखते हैं. जब आप नाइट्रोजनस बेसिस का जिक्र करते हैं आरएनए में, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है. आप यहां पे देखेंगे एक चीज, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स जो हैं, क्या क्या हैं? यू हैव एडेनिन, यू हैव ग्वानिन, यू हैव साइटोसिन एंड यू हैव यूरेसिल. राइट जी? ये ध्यान रखने वाली बात है. डिफरेंस आ गया ना एक? क्या डिफरेंस आपको नजर आया मुझे बताइए. आपको कौन सी चीज नजर नहीं आ रही है यहां पे? नाइट्रोजनस बेसिस में कौन सा नाइट्रोजनस बेस आपको नजर नहीं आ रहा है? शियान कह रहे हैं जी डायग्राम अच्छा है, थैंक यू सो मच राजा बेटा. तपोजिता, तौसीफा, सना, लकी, रेनू, बताइए जी. मोहम्मद अहमद, जल्दी से बताइए कौन सा नाइट्रोजनस बेस मेरे राजा बेटा आपको नजर नहीं आया यहां पे, जो आप डीएनए में पढ़ चुके हैं. यू हैव एडेनिन हियर, यू हैव ग्वानिन हियर, यू हैव थायमिन, सॉरी यू हैव साइटोसिन एंड यू हैव यूरेसिल. वेरी गुड. तपोजिता ने आंसर दिया है, संकेत ने सही कहा है, युक्ता, नैन्सी, कमरान सैफी, कमरान ने कहा है जी यूरेसिल इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ थायमिन. राइट. थायामीन और थायामीन एक विटामिन वाला भी होता है ना, वो ध्यान रखना, स्पेलिंग में गड़बड़ मत कर जाना. वेरी गुड जी. अनुष, जया, निकिता, विशेष, बुशरा, कीर्ति, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं. दैट्स रियली नाइस. बिल्कुल ठीक है आपने जी, बिल्कुल ठीक है जवाब आपका. चलो राजा बेटा आगे बढ़ते हैं. मैंने कहा था आपके प्यारे प्यारे लाइक्स जो है बढ़ते रहने चाहिए. आज आप लोगों ने जो मेरा गला ठीक करना है और जो नेजल कंजेशन हो रखा है वो आपके प्यारे प्यारे लाइक्स से ठीक होगा. सो आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मुझ तक पहुंचनी चाहिए. हां जी, जयंत जी सही कहा मैंने. कुलसुम, तौसीफ, सना, प्रियंका, रियासुद्दीन, वैष्णवी, दिलजीत, वंडरफुल. चलो आगे बढ़ रहा हूं. Types of RNAs, RNA के अलग अलग प्रकार. Ribosomal RNA, Transfer RNA, Messenger RNA, मुख्य रूप से ये तीन है राजा बेटा जो हमें अच्छे से पता होने चाहिए. Genomic RNA, Small Nuclear RNA, SNRNA भी लिख देते हैं, Small Cytoplasmic RNA. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें से पहले तीन मुख्य रूप से आप लोगों को याद रहने चाहिए. ठीक है युक्ता बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ आरएनए में से देखिए, आउट ऑफ दीज द फर्स्ट थ्री आरआरएनए, शॉर्ट में लिखा है राइबोसोमल आरएनए को, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, एंटी आरएनए आर मेजर क्लासेस ऑफ आरएनएस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन जीन एक्सप्रेशन. ये तीन मेजर क्लासेस है. RNA is genomic in some viruses, जैसे TMV है. TMV का फुल फॉर्म मुझे कौन बताएगा आप में से? HIV, then influenza virus. यहां पे RNA is the genomic. It is genomic. It is serving as the genome. It's double stranded in wound tumor virus, rice dwarf virus, and macrophages. I want you people to tell me the full form for TMV. जल्दी से. हां जी.
स्नेहा आपने ठीक कहा, शिवानी, सरिता, सूरज, दीपक, मोहित, स्वप्नम, तपोजिता, मोहम्मद आजिम, अंसारी, नैन्सी, भास्कर, अल्फाज, बिल्कुल निशांत, बिल्कुल जी आपका नाम भी ले रहे हैं, जयंत, शब्बीर। मैंने क्या पूछा है आपसे, आई एम सॉरी, मुझे जल्दी से फुल फॉर्म बताइए टीएमवी का, व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर टीएमवी। हाँ सबनम तुमने ठीक कहा कि B1 थायमिनो, टोबैको मोज़ेक वायरस, कपोली ने सही कहा है, रविंद्र ने, युक्ता ने, ऋषिकेश, अनुपम, कृष्णा, आकाश, अंकुश, अंकिता, अंकन, भास्कर, मेघा, पुनीता, गुलनाज, वेरी गुड, टोबैको मोज़ेक वायरस सही जवाब है। सो ध्यान रखना ये चीज भी, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इनमें RNA इज फंक्शनिंग एज जीनोम ऑल्सो, डबल स्ट्रैंडेड जहां जहां हो सकता है वो भी आपको बता दिया। चलिए जी पहले जिक्र करते हैं rRNA दैट इज राइबोसोमल RNA का। क्वेश्चंस जो जो पूछे जा सकते हैं वो भी आपको साथ के साथ बता रहा हूं राजा बेटा। इट इज मोस्ट अबंडेंट RNA, 70-80% जो है वो ये है, अंडरलाइन कर देते, 70-80% ऑफ टोटल, इट हैज 3-4 टाइप्स, सम ऑफ इट्स टाइप्स जैसे 23S, 28S आर द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द RNAs, S इज रेफरिंग टू व्हाट, अभी जिक्र करेंगे स्वेडबर्ग यूनिट्स का। एज द नेम इंडिकेट्स rRNA इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स जानते हैं सेल के अंदर प्रोटीन फैक्ट्रीज जो हैं, जो rRNA वर्ड यूज किया है दैट स्मॉल r इज रेफरिंग टू राइबोसोम्स, सो द नेम इंडिकेट्स दैट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम्स। क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, विच इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ RNA, इट इज राइबोसोमल RNA, राइट, इसकी कौन सी सब टाइप जो है वो लॉन्गेस्ट है ऑफ ऑल द RNAs, 28S एंड 23S, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम्स, इट लाइज क्वाइल्ड इन बिटवीन एंड कवर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन सिंथेसिस जब हम पढ़ेंगे ना आगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज। नाउ अब इसके टाइप्स देखते हैं राजा बेटा, टाइप्स ऑफ राइबोसोमल RNA, rRNA के फर्दर क्या क्या टाइप्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, किस आधार पे हमने उसके फर्दर टाइप्स करे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट rRNAs ऑफ यूकैरियोट्स, प्लीज रिमेंबर ये यूकैरियोट्स का जिक्र हो रहा है, rRNAs ऑफ द यूकैरियोट्स, दे आर ऑफ 4 टाइप्स, कौन कौन से, 28S rRNA, 18S rRNA, राइट, 5.8S rRNA एंड 5S rRNA, ये राइबोसोमल RNA, चार प्रकार हो गए। नाउ कहां कहां प्रेजेंट है राइबोसोम्स का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, सो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो 18S है दैट्स अ कंपोनेंट ऑफ द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, बाकी तीनों जो हैं वो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में है। पढ़ रहे हैं हम RNA के बारे में, RNA के मेजर टाइप्स हमने देखे, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, उसी में आगे हम राइबोसोमल RNA का डिटेल में जिक्र कर रहे हैं। इतना क्लियर है जी, बिल्कुल अजीत, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व्ड हैं, देवेंद्र, अल्फाज, कैलाश, तौसीफ, निशांत, अंकिता, गायत्री, जयंत, कनीज, हाँ जी क्लियर हो रहा है राजा बेटा, युक्ता, सुमन, देवेंद्र, सही लिखा है आपने, वेरी गुड, नाइस टू सी, 290 के करीब जुड़े हैं लोग। सो ये वाली बात याद रख लेना बेटा, लार्जर सब यूनिट का कंपोनेंट कौन है और स्मॉलर सब यूनिट का कंपोनेंट कौन है। नाउ आगे देखते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं, दे हैव 3 टाइप्स ऑफ RNAs। अभी हमने यूकैरियोट्स का जिक्र किया था पिछली स्लाइड में यूकैरियोट्स के बारे में, सो प्रोकैरियोट्स के केस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNAs, 23S, 16S, स्वेडबर्ग यूनिट्स को रेफर कर रहा है, S, 5S, जिसमें से 16S इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, इट्स अ कॉम्पोनेंट ऑफ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। यहां पे आपको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का एक रिप्रेजेंटेशन भी करके दिखाया गया है, क्लियर है जी, राइट, बढ़ सकते हैं आगे, यूकैरियोटिक जो कंडीशन है वो क्या है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में क्या कंडीशन है। यूकैरियोट्स के केस में आपने देखा 1, 2, 3, 4 सब टाइप्स, राइट जी, प्रोकैरियोट्स के केस में आपने देखा 1, 2, 3 सब टाइप्स। कैन वी प्रोसीड फॉरवर्ड, बोलिए जी, चलिए नहीं नहीं साक्षी ऐसा मत कहिए
साक्षी बड़े स्वीट कमेंट तुमने लिखा है, बड़ा इमोशनल कमेंट। ट्रांसफर आरएनए का जिक्र करें, अभी तक हमने कौन सा वाला आरएनए पढ़ा? राइबोसोमल आरएनए। आप देखते हैं ट्रांसफर आरएनए के, दैट्स आल्सो कॉल्ड द अडैप्टिव मॉलिक्यूल, इट इज आल्सो कॉल्ड सॉलिबल और एस आरएनए। फुल फॉर्म्स भी याद रखना, नेचर ध्यान रखना। In which form it was known before the discovery of the genetic code? Genetic code discover होने से पहले इसको soluble RNA के नाम से भी जाना जाता था। There are over 100 types of tRNAs। बहुत सारे अलग-अलग प्रकार हैं इसके। Transfer RNA constitutes about 15% of the total RNA। ये बात important है राजा बेटा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। राइट, ट्रांसफर आरएनए के क्या फंक्शंस हैं, क्या करता है ट्रांसफर आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या रोल है इस अडेप्टिव मॉलिक्यूल का, वो अभी जिक्र करते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट आरएनए विद 73 टू 93 न्यूक्लियोटाइड्स एंड सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ 4s। ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, स्मॉलेस्ट आरएनए। राइट, इससे पहले हमने मोस्ट अबंडेंट आरएनए भी देखा था, याद है? The nitrogen bases of several of its nucleotides, they get modified. It has modified nitrogenous bases. Jaise ki pseudouridine, dihydrouridine, inosine, ribothymidine. Right? Aap, zaruri nahi aap ye sab rate, bas aapko ek idea rakhna hai ki transfer RNA jo hai, wo smallest RNA hai. Iske nitrogenous bases hain, unke jo nucleotides hain, nucleotides kahin na kahin modified hain, wo nitrogenous bases. क्लियर है? गायत्री, अनु शर्मा, दीपक जायसवाल, डॉक्टर मोनीश, सरिता, अल्फाज, युक्ता, बिल्कुल। आप ये जो शेप की बात कर रहे हैं, एल शेप है या ये क्लोवर शेप है, वो भी हम आगे देखते हैं। इधर आइए, बिल्कुल सही बात कही। बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग पहले से किसी चीज का जवाब देते हैं और सही देते हैं। चैट पे ज्यादा टाइम मत वेस्ट किया कीजिए, यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे जो आप टाइम का इस्तेमाल करें वो पढ़ने में ज्यादा लगाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ट्रांसफर आरएनए, दैट्स द अडैप्टिव मॉलिक्यूल जो है, देखते हैं जी। देयर इज क्वाइलिंग ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड ट्रांसफर आरएनए इनटू, कौन सी दो शेप्स हैं? एल शेप्ड फॉर्म, दैट्स अ थ्री डायमेंशनल क्लग गिवन बाय क्लग 1974। क्लोवर लाइक फॉर्म, दैट इज द टू डायमेंशनल बाय हॉली। याद रहेगा, ट्रांसफर आरएनए का जिक्र कर रहे हैं। द क्वाइलिंग ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड ट्रांसफर आरएनए इज इनटू एल शेप्ड फॉर्म, दैट्स द थ्री डायमेंशनल फॉर्म, एंड देयर इज अ क्लोवर लाइक फॉर्म, दैट इज द टू डायमेंशनल फॉर्म। फर्दर आगे इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। यहां तक क्लियर है बातें, जितना मैंने बोला है? ऑल माय राजा बेटा। डॉक्टर अजीत, जबीन, रियासुद्दीन कह रहे हैं जी जहर क्लियर। नए नए नाम जो है, ये टर्म्स आप ढूंढ करके पता नहीं कहां से निकालते हैं, बट एनीवे आपका रिस्पेक्ट है, ये हमारे लिए ये प्यार है। एंड आई ब्लेस यू विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस, वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग देख रहे हैं। हां जी नूतन, आगे बढ़े। चलिए, ट्रांसफर आरएनए जो है, अबाउट हाफ ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स आर बेस पेयर्ड टू प्रोड्यूस पेयर्ड स्टेम्स। आप देख रहे हैं यहां पे कई जगहों पे आपको पेयरिंग नजर आ जाती है इसमें। अबाउट हाफ ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स जो इसमें है ट्रांसफर आरएनए में, दे आर बेस पेयर्ड टू प्रोड्यूस द पेयर्ड स्टेम्स। उन स्टेम्स का जिक्र करेंगे। फाइव रीजन्स आर अनपेयर्ड और सिंगल स्ट्रैंडेड, राइट? पांच रीजन ऐसे हैं जो अनपेयर्ड हैं या सिंगल स्ट्रैंडेड हैं। देखिए किस तरीके से ये कहां कहां पे फोल्डेड है और क्या क्या पार्ट्स बन जाते हैं इसके स्ट्रक्चर के, वो फाइव रीजन्स का जिक्र करने जा रहा हूं। ए ए बाइंडिंग साइट, T5C लूप, देन वी हैव DHU लूप, वी हैव एक्स्ट्रा आर्म एंड एंटी कोडॉन लूप। याद रहेंगे, ये डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं। देयर इज दिस टी लूप, राइट? टी लूप का जिक्र करा हमने। देन देयर इज दिस DHU लूप, देयर इज दिस DHU लूप, देन देयर इज एंटी कोडॉन स्टेम। ये एंटी कोडॉन लूप, ये एंटी कोडॉन स्टेम। क्लियर है इतना? ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर का जो हम जिक्र कर रहे हैं, यहां तक क्लियर है जी आपको? जयंत सेज परफेक्टली क्लियर, राजिया, साक्षी, खालिद, अल्फाज, युवराज, रविंद्र, तौसीफ, सचिन शर्मा, सोनी जायसवाल,
चलिए आगे बढ़ सकते हैं राजा बेटा, ग्रेट। युवराज निशांत कह रहे हैं डायमंड क्लियर, दैट्स वंडरफुल जी। कहीं कोई डाउट आपको आ रहा है आप साथ में लिख के भेज दीजिए, अगर स्क्रीन पे मैं देख पाया साथ के साथ तो जरूर जवाब दूंगा, नहीं तो जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा, उसमें मैं जरूर जवाब दूंगा आपको। सना खान, साक्षी पांडे बढ़े आगे, गुनगुन, रजिया, तपोजिता, What is that AA binding site? यहां हमने पीछे जिक्र किया ना कि ट्रांसफर RNA AA binding site होती है, so देखते हैं जी ये AA किस चीज को रेफर कर रहा है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, इट इज द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, द साइट लाइज एट द 3' एंड ऑपोजिट द एंटीकोडॉन एंड हैज CAAOH ग्रुप, The 5' and bears G amino acid or A binding site and anticodon are the two recognition sites of transfer RNA. So that AA is referring to amino acid binding site. This T loop ka hum zikr kar rahe the, it has 7 bases, right? The loop is the site for attaching to ribosomes. Itni baat yaad rakh lena. Peeche aap diagram mein dekhte hain, idhar dekhiye, ye wala. This is what it is referring to. T-loop. Okay? और T-loop के बारे में कहा गया है, It is the site for the attachment of ribosomes. Clear? Next देखते हैं जी, DHU loop का क्या मतलब है? The loop contains 8 to 12 bases, the largest loop and has dihydrouridine binding site for amino acyl synthetase enzyme. DHU loop. Just look here. Where is that D loop or the DHU loop? Here you have that, right? Amino acyl synthetase enzyme. This is the largest loop. Next. This is an extra arm. It's a variable sidearm or loop which lies between the T loop and anticodon. It's not present in all the transfer RNAs. Exact role of this is not very clear. Why that extra arm is present? Anticodon loop jo hai, it has 7 bases out of which 3 bases form the anticodon for recognizing and attaching to codon of the messenger RNAs. So, anticodon loop, yahan pe dekhiye idhar. Ye raha. Clear hai? The 3 base sequence called anticodon help in recognizing the codon for its specific amino acid on the messenger RNA during protein synthesis. So, jab protein synthesis ka zikr karenge na, ye wali sari cheez hum phir se dobara samjhenge. Filhal aap sirf ek structural level pe jaan rahe hain, jisme aapko ye cheeze yaad rakhna zaruri hai. Khubsurat baat ye hai ki aapko sari cheeze yahan pe ek hi platform pe ek hi slide mein ek khubsurat tarike se mil rahi hain, to aapke liye aasan ho jayenge ki aapko notes alag se banane ki zarurat nahi hai. I understand ki kuch technical नहीं, साक्षी जरूरी नहीं है आप इतनी डिटेल में जो है इस चीज को रखें, जैसे आप कह रहे कि DHU लूप हर चीज को एक-एक डिटेल में याद रखना, नहीं आपको ऊपर-ऊपर से हर चीज का फंक्शन जरूर पता होना चाहिए। मैंने ब्यूटीफुल डायग्राम भी आपके लिए लगा दिया है और इसको एक अच्छी प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपके सामने रखा है ताकि आपको याद आसानी से हो जाए। ठीक है शिवानी, प्रेरणा, पर्वत, ओके नाइस नेम, ठीक है मोनीश, आशुतोष जी, सिमरन गुप्ता, तपोजिता, ऋषिकेश, ओके आगे बढ़ते हैं जी। अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट का जिक्र कर लिया, टी लूप का, डीएचयू लूप का, एक्स्ट्रा आर्म का, एंटीकोडॉन लूप का। अब हम आ जाते हैं कि ट्रांसफर आरएनए के क्या-क्या फंक्शंस हैं, राइट? अडैप्टर मॉलिक्यूल हमने कहा था, सो इट इज मेंट फॉर ट्रांसफरिंग अमीनो एसिड्स टू द राइबोसोम्स फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। ट्रांसफर आरएनए के फंक्शंस में से सबसे पहला महत्वपूर्ण फंक्शन हमने देखा, ट्रांसफरिंग अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम्स फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, याद रखिएगा पहला फंक्शन। दूसरी बात याद रखने वाली है कि अलग-अलग अमीनो एसिड्स के लिए देयर आर डिफरेंट ट्रांसफर आरएनएस फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड्स, सम अमीनो एसिड्स कैन बी पिक्ड बाय 2 to 6 transfer RNAs also. Protein synthesis में ये बातें सब आपको याद रखनी हैं. Transfer RNA का वहाँ पे बहुत important role आपको समझ आएगा.
These place specific amino acids at particular points during polypeptide synthesis as per the codons of messenger RNA. Messenger RNA ke codons ke anusar jo hai, they are going to place alag alag tarah ke specific amino acids at particular position. Codons jo hai, they are recognized by the anticodons of the transfer RNA. Ye important functions the transfer RNA ke. Transfer RNA का structure, ribosomal RNA हम discuss कर चुके हैं, transfer RNA discuss कर चुके हैं. अब हमारे पास क्या बचता है जी? mRNA, where the M stands for what? Messenger RNA. इसका जिक्र तो हमने DNA transcription पढ़ते समय भी किया था. It's a long RNA which constitutes 2 to 5% of total RNA content. It brings, करता क्या है? Transcription याद करके देखिए, brings instructions from DNA for the formation of particular type of polypeptide. It is also called informational or the genetic RNA. Clear है? Messenger RNA, याद करके देख लीजिए, जब transcription हमने पढ़ाया है आपको पिछले दो lectures में, prokaryotes में transcription, eukaryotes में differences भी बताए थे, वहां पे messenger RNA का जिक्र detail में हुआ था. DNA से किस प्रकार से RNA polymerase जो है, वो unwinding करता है DNA strands की particular nucleotides add करता है, sigma factor साथ में जुड़ता था, और messenger RNA जो है बनता है. Clear है जी? तपोजिता, निशांत, विने, अल्फाज, दीपक, प्रिंसी, अर्घा, वैष्णवी, डॉक्टर कृष्णा, दिबेंदु, दिबांजन, ग्रेट जी, मोनीश. क्लियर हो रहा है सबको? नाइस टू सी मोर देन 300 पीपल. अच्छी बात है, जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं उतना एक ज्यादा पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है. कनीज बढ़े आगे, जयंत. चलिए जी, सो मैसेंजर आरएनए के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि आप डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जो है वो पढ़ चुके हैं. आगे देखते हैं जी, द इंस्ट्रक्शंस आर प्रेजेंट इन बेस सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड्स. मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जिस पर्टिकुलर तरीके से अरेंज्ड हैं, वहीं पे संदेश छुपा हुआ है कि अल्टीमेटली कैसा पॉलीपेप्टाइड बनना है. उसी बात को जेनेटिक कोड कह देते हैं. The instructions which are present in the base sequence of nucleotides, that is what is genetic code, जिसका आगे हम जिक्र करने वाले हैं. Three adjacent nitrogen bases specify a particular amino acid. By codes आप जानते हैं A, U, G, U, 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 ये सब बात पता है basic सी. So ये जो तीन अक्षर हैं, ये जो triplet है, यही बेसिक कहानी है जीवन की. अल्टीमेटली प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स बन रहे हैं, और प्रोटीन्स जो हैं दे आर काइंड ऑफ हार्डवेयर ऑफ द सेल. एंजाइम्स का काम भी कर रहे हैं, मेटाबॉलिक मशीनरी है, वही है तो जीवन है बिल्कुल. थ्री एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसिस स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड. फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड अकर्स ओवर द राइबोसोम्स. प्रोटीन फैक्ट्रीज जिसका हम जिक्र कर रहे थे ना, वो अल्टीमेटली राइबोसोम्स पे होगा. सारा मैकेनिज्म अभी हम जोड़ के पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन कैसे प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है. लेकिन एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ने से पहले हमें आरएनए का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है, इन कोडॉन्स के बारे में हमें पता होना जरूरी है. ठीक है सिद्धार्थ, चलिए जी. नाउ आप यहां पे देख सकते हैं कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन टेल की तरफ हमने कहा था पॉली ए टेल. याद है जब हमने पढ़ा था कि यूकैरियोट्स के केस में मैसेंजर आरएनए का बाद में जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग है उसमें क्या है? देयर वाज कैपिंग, इफ यू रिमेंबर, देयर वाज टेलिंग, देयर वाज स्प्लाइसिंग, देयर वाज लाइगेशन. वो सब चीजें याद कर लीजिए. तो उसी कैप का जिक्र किया गया है 5' एंड पे, और उसी पॉली ए सीक्वेंस जो हमने पढ़ा था टेल रीजन के लिए उसका यहां पे जिक्र दिख रहा है आपको. मैसेंजर आरएनए जो है इट गेट्स अटैच्ड टू राइबोसोम्स. ट्रांसफर आरएनएज आर इंड्यूस्ड टू ब्रिंग अमीनो एसिड्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स प्रेजेंट ओवर मैसेंजर आरएनए. यूकैरियोट्स में याद कर लीजिए, यूकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए हैज मिथाइलेटेड रीजन एट द 5' टर्मिनल. वही कैपिंग का जिक्र हो रहा है. इट फंक्शंस एज कैप फॉर अटैचमेंट विद द राइबोसोम्स, राइट? सो ये कैपिंग जरूरी थी, ऐसे टेलिंग भी पड़ा था कि एंजाइम्स से बचाने के लिए.
कैप जो है दैट इज फॉलोड बाय एन इनिशिएशन कोडॉन दैट इज AUG. दिस इज इंपॉर्टेंट. कैप रीजन जो है पीछे डायग्राम में देख लीजिए, कैप इज फॉलोड बाय, ये देखिए कैप के बाद क्या है, दैट इज इनिशिएशन कोडॉन AUG. इधर इमीडिएटली और आफ्टर अ स्मॉल नॉन कोडिंग लीडर रीजन. Then there is coding region followed by termination codon. These are the termination codons. अब ये आपको याद करने पड़ेंगे. आने वाली क्लासेस में इनको याद करने का आसान तरीका भी आपको बताऊंगा. So the coding region is followed by termination codon. UAA, UAG, UGA. After termination codon, there is a non-coding trailer region and poly A area at the 3' terminus. यही चीज मैंने डायग्राम में आपको दिखाई. फिर से देख लीजिए, आफ्टर द कोडिंग रीजन यू हैव नॉन कोडिंग रीजन, राइट, नॉन कोडिंग रीजन एंड देन दिस पॉली ए सीक्वेंस. इधर देख लीजिए कैप इनिशिएशन कोडॉन, देन देयर इज अ कोडिंग रीजन, राइट, आफ्टर दैट देयर इज नॉन कोडिंग रीजन पॉली ए सीक्वेंस. इतनी बात क्लियर है जी स्ट्रक्चर को लेकर के, राइट. कैप और टेल जो है, ये हमने पहले भी जिक्र किया था, कैपिंग एंड टेलिंग क्यों हो रही है, दैट प्रोटेक्ट द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, राइट. लीडर एंड ट्रेलर रीजन्स जो हैं, दे आर कॉल्ड यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन्स. मैसेंजर आरएनए मे स्पेसिफाई ओनली अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड और मेनी ऑफ देम. याद कीजिए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में डिफरेंस बताया था. सो मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड देन पॉलीसिस्ट्रॉनिक. इतनी बात क्लियर है तो बताइए, तब हम आगे बढ़ते हैं. अल्फाज जी, अंबर, नैन्सी, प्रांशी, गौरव, सचिन शर्मा, मोहित, सृष्टि, गायत्री, प्रेरणा, अनमोल. अनमोल पूछेंगे पॉली ए क्या है. अनमोल, आप पिछली क्लास का आप वीडियो देखिएगा बेटा, जिसमें मैंने टेलिंग कैपिंग समझाया है कि वो पॉली ए सीक्वेंस क्या है और क्या जरूरत है. डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का सेकंड वाला क्लास आप वीडियो देखिएगा. युक्ता ने ठीक कहा है, न्यूक्लियसेस, राइट जी. जयंत, नैन्सी, अल्फाज, UTR increases efficiency of translation, अल्फाज ने कहा है. अर्घा सेन ने मिथ्योनीन के बारे में लिख के भेजा है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, प्रोकैरियोट्स, राइट जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ग्रेट. राजकुमार, निकिता, रियासुद्दीन, चिश्ती, तौसीफ, क्लियर है जी सब बच्चों को, आगे बढ़ सकते हैं, राइट. चलिए देखते हैं इधर, मैसेंजर आरएनए के फंक्शंस क्या क्या हैं. हमने ट्रांसफर आरएनए के फंक्शंस देखे, मैसेंजर आरएनए के देखते हैं. It carries coded information for translation into polypeptide formation. इसी के अंदर वो सारा रहस्य छुपा हुआ है पॉलीपेप्टाइड बनने के लिए. Through reverse transcription, it can form compact genes which are used in genetic engineering. Reverse transcription हमने देखा था कि भाई RNA से DNA बन सकता है. It has a cap region for attachment to ribosomes. Let's talk about what is this genomic RNA or genetic RNA. Beginning में क्लास की हमने देखा था कि RNA के अलग अलग टाइप्स क्या हैं. Ribosomal RNA, transfer RNA, messenger RNA. ये तो तीन मेन टाइप्स थे. इसके अलावा भी तो थे, genetic RNA, catalytic RNA, ribozymes, small nuclear RNA, small cytoplasmic RNA. तो ये और RNA है ना. RNA इंटरफेरेंस क्या है, इसका भी जिक्र करेंगे और उसके बाद फिर जेनेटिक कोड पे आएंगे, ठीक है जी. सो बाकी तरह के जो RNA बच गए इनका जिक्र जल्दी से कर लेते हैं. जीनोमिक RNA फाउंड इन सम वायरसेस, दे आर कॉल्ड राइबो वायरसेस, विच मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड इन केस ऑफ टोबैको मोजैक वायरस, और डबल स्ट्रैंडेड एग्जाम्पल रियो वायरसेस. इट इज फ्रेगमेंटेड इन इंफ्लुएंजा वायरस. सो दिस जीनोमिक आरएनए इट इज डूइंग व्हाट, इट इज एक्टिंग एज अ हेरिडिटरी मटीरियल. जीनोमिक और द जेनेटिक आरएनए एक्टिंग एज अ हेरिडिटरी मटीरियल. लेट्स टॉक अबाउट कैटालिटिक आरएनए. मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि कैटालिसिस जो है एंजाइम्स का काम होता है मेनली, और एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स हैं. मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, लेकिन
कई जगहों पे हमें ये भी देखने को मिलता है दैट सर्टन आरएनएस कैन फंक्शन एज एंजाइम्स, दे आर कॉल्ड राइबोसाइम्स. इनफैक्ट जब अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा सो तब आरएनएस ने एंजाइम का काम करा होगा. यही कारण है कि हम कहते हैं दैट आरएनए पहले बना और फिर डीएनए बना, राइट. डीएनए ने फिर आरएनए बनाया, फिर प्रोटीन बने, वो एंजाइम की तरह काम करने लगे. कैटालिटिक एक्टिविटी यानी क्लीवेज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आरएनए में भी देखी गई बाय सर्टेन साइंटिस्ट्स इन सिलिएटेड प्रोटोजोन दैट इज टेट्राहाइमेना थर्मोफिला, तो उसको राइबोसाइम कहा गया. ऑटमैन एटॉल, एटॉल से मतलब हो जाता है कि उनके साथ में उनके जो और वैज्ञानिक साथी थे, डिस्कवर्ड दैट राइबो न्यूक्लियस पी दैट टेक्स पार्ट इन प्रोसेसिंग ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम इट्स प्रिकर्सर. It's a biocatalyst made up of RNA and proteins. तो मुख्य रूप से आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि कुछ RNAs के अंदर enzymes जैसी काबिलियत भी होती है, उन्हें catalytic RNAs कहा जाता है या ribozyme कहा जाता है, जिसमें कुछ मुख्य उदाहरणें याद रखिएगा, ribonuclease P and even the peptidyl transferase that was by Noller et al. साइंटिस्ट का नाम यहां भी याद रख पाए आप, कोई बात नहीं चलेगा. सो आपको कैटालिटिक आरएनए समझ आया बेटा, जिन्हें राइबोसाइम भी कहते हैं. समीरन कृष्णा अल्फाज, अल्फाज कह रहे थे एटमन चाचा. नैंसी रियासुद्दीन विष्णु, देन वी हैव प्रेरणा तौसीफ अहमद, सचिन शर्मा थैंक यू सो मच. आंचल ने टेट्राहाइमेना थर्मोफिला नाम लिखा है, बिल्कुल ठीक कहा है जी. डॉक्टर गुनगुन, जयंत, तौसीफ, शियान, वंडरफुल, नाइस टू सी. समझ आना चाहिए आपको बस, राइट जी, वो ज्यादा जरूरी है. स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एक और प्रकार आरएनए का, स्मॉल साइज्ड आरएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. Each RNA is combined with 7 to 8 molecules of proteins to form small nuclear ribonucleoproteins, SNRPs, SNPs bhi jo humne kaha tha. Yaad hai ji? So each RNA combined with 7 to 8 molecules of proteins to form small nuclear ribonucleoproteins. Now this is going to do what? Splicing. Then राइबोसोमल आरएनए प्रोसेसिंग, मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग. सो एक और तरह का आरएनए हमने जान लिया, क्लियर है जी. इससे पीछे क्या देखा था? कैटालिटिक आरएनए. उससे पहले राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर, कैटालिटिक आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. के बाद हमारे पास है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए. ये वाला क्या था? SN, small nuclear RNA. Now we are going to discuss small cytoplasmic RNA. Small sized RNA occurring free in the cytoplasm. ये वाला क्या था? Nucleus में. ये वाला cytoplasm में. One such small cytoplasmic RNA 7S, it combines with the protein molecules to form signal recognition particle SRP. ये वाला प्रोटीन के साथ जुड़ के SNRP बना रहा था, और जो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए है प्रोटीन के साथ जुड़ के SRP दैट इज सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे. इट टेक्स पार्ट इन, क्या करता है? इट हेल्प्स इन टेकिंग एंड बाइंडिंग अ राइबोसोम टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद है जी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जिसके साथ राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं. रोहित जी, रियासुद्दीन, तौसीफ, प्रेरणा, रोहित यादव, तपोजिता, अमन, राजेश कह रहे हैं जी मजा आ गया. थैंक यू राजेश जी. आप लोगों के फिर प्यारे प्यारे लाइक्स जो है वो आते रहने चाहिए. YouTube पे जब लेक्चर अपलोड होता है तो कमेंट जरूर किया कीजिएगा, राइट. बाकी बच्चे जब उन वीडियोस को देखते हैं तो आपके द्वारा किए हुए कमेंट्स भी पढ़ते हैं, राइट. आपको पॉजिटिव फील हो रहा है, आपको जैसा भी फील हो रहा है, आप अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा उसमें. कनीज फातिमा, आगे बढ़े. मुनीश, डॉक्टर गुनगुन, अल्फाज, अमन, सौरभ विश्वास. सौरभ कह रहे हैं जी सर आपने अटेंडेंस लगा दी. बिल्कुल जी, आप लोगों से एक दिल से रिश्ता जुड़ चुका है. रेगुलर नाम में से अगर कोई नाम मुझे नहीं दिखाई देता तो मुझे थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है कि भाई क्यों नहीं है वो नाम आज क्लास में, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस आरएनए इंटरफेरेंस. इट्स इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन. इस चीज का डिटेल में जिक्र जो है हम अगली क्लास में करेंगे आपके साथ.
अब एक चीज और बता दूं, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले क्लासेस में, जेनेटिक कोड का जिक्र करेंगे जी आपके साथ, राइट। जेनेटिक कोड में किन वैज्ञानिकों ने विशेष कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और किस प्रकार से ये जो अमीनो एसिड्स हैं, इनके लिए जो कोडॉन्स हैं, कैसे किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में आने पे वो क्या कोड करते हैं। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना का जिक्र करेंगे जिन्होंने सिंथेसाइज किया था आरएनए मॉलिक्यूल बाय केमिकल मेथड्स, मार्शल निरनबर्ग का एक्सपेरिमेंट विच फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिफर्ड, राइट जी। जेनेटिक कोड के कुछ सेलियंट फीचर्स, इट्स अ ट्रिपलेट, 64 कोड्स हैं जिसमें से 61 कोडॉन्स अमीनो एसिड्स के लिए हैं, 3 कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, वी कॉल देम स्टॉप और द नॉनसेंस कोडॉन्स। जो कोडॉन्स हैं अनएम्बिगुअस हैं, स्पेसिफिक हैं, 1 कोडॉन कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। Some amino acids are coded by more than one codon, so we call that the genetic code is degenerate. ये पूरा टेबल जो है आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आने वाली क्लासेस में, राइट। एक एक चीज फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाएगी, कोडॉन्स कैसे जो मैसेंजर आरएनए पे कॉन्टिन्यूस मैनर में रीड किए जाते हैं। जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल है फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस, यानी अगर यू 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 की बात करें तो फिनाइल एलानिन ही होगा। कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में, पैरामीशियम में, जैसे पैरामीशियम में UAA UGA जो है ग्लूटामीन के लिए कोड करते हैं और वैसे यूनिवर्सली जो है वो स्टॉप कोडॉन्स है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज एक्सेप्शंस आल्सो ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, राइट जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड द सेशन। चीजें थोड़ी टेक्निकल जरूर होती जा रही हैं बिकॉज ये फाइनल क्लाइमेक्स है इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का, सो थोड़ा टेक्निकल जरूर है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, बट आई एम होपफुल कि आपको चीजें काफी हद तक समझ आई हैं। एक बार आप दोबारा इस लेक्चर को जब सुनेंगे, चाहे फास्टर स्पीड पे सुनेंगे, फिर चीजें और बेहतर तरीके से दिमाग में बैठेंगी, कपाट खुलते जाएंगे। क्लास 11th के टॉपिक्स आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कराए जाते हैं, क्लास 12th के टॉपिक्स फ्राइडे सैटरडे एंड संडे कराए जाते हैं, एंड जो रेफरल कोड हमने यूज करना है जब आपने एडमिशन लेना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, दैट कोड इज सचिन लाइव। ये कोड यूज करने से आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ ऑन द टोटल फी, राइट जी। ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी JEE, एंड फॉर द जूनियर क्लासेस दैट्स फॉर 9th एंड 10th वी हैव अनअकैडमी फाउंडेशन, सो टुगेदर वी कैन मेक इट, लेट्स क्रैक इट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब, जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, बिकॉज तभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे। हैशटैग नीट लाइव डेली के साथ आप हमारे लेक्चर्स को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे मुझे भी ढूंढ सकते हैं, सिंपली इंस्टाग्राम पे sachin.kapoor KAPUR, नमो कॉल सर को भी आप ढूंढ सकते हैं, अपने ऑल टाइम फेवरेट माही भैया महेंद्र सर को भी आप ढूंढ सकते हैं। आपके मैसेजेस का हमें इंतजार रहेगा, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। PDF नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा, यूट्यूब पे अपलोड होगा, नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसमें एक लिंक होगा, उसे क्लिक कीजिएगा, नोट्स आपके सामने तैयार मिलेंगे, राइट। चलिए अब इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है। गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस आपके नीट एग्जाम के लिए। बाय आशना, बाय सचिन, विमलेश, भारतेंदु, तौसीफ, ट्विंकल, आशुतोष, अनु, आयुष, गुनगुन, चांदनी, गायत्री, अनुष, आशुतोष, संयोगिनी, बाय बेटा, निशांत, नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।